दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स गवर्नमेंट डूगर कॉलेज बीकानेर आपका स्वागत करता है। आज का बीएससी पार्ट थर्ड यूजी का यूनिट फर्स्ट का आखिरी टॉपिक इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। जिस तरह से हमने डिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, उसकी स्टडी की, उसी प्रकार से इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में आपके इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट भी सिलेबस में है। इसके पश्चात एक टॉपिक बचता है पोटेंशियल इन ए बॉक्स, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से उसको प्रूव करना है। वो हम आगे की यूनिट में करेंगे, चूंकि अभी आपने पोटेंशियल इन ए बॉक्स नहीं पढ़ा है, वो एक आखिरी टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट का बचता है। ये जो टॉपिक है, इसमें भी एक जो कंसेप्ट है वेव फंक्शन का, वो आप अगली यूनिट में पढ़ेंगे। यहां मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रयोग है ये फाइनमैन का थॉट एक्सपेरिमेंट कहलाता है। फाइनमैन लेक्चर सीरीज बहुत ही वर्ल्ड में फेमस बुक लिखी गई है, जो 3 वॉल्यूम में है, जो फाइनमैन ने लेक्चर्स दिए थे वो बुक फॉर्म में दिए गए हैं। आप यदि अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसकी लेक्चर सीरीज को खरीद सकते हैं। 3 वॉल्यूम में ये आती है, फाइनमैन लेक्चर सीरीज। इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, अर्थात यदि आपके पास कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है, वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यदि डबल स्लिट में से क्रॉस हो रही है, तो उसके पश्चात हमें पैटर्न कैसा मिलेगा और क्यों मिलेगा, हमें इसे स्टडी करना है। यहां सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सपोज कर लीजिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप बनाया हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां आपके पास में कैथोड है, जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और यहां इसको गन फॉर्म में, हमें गन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त, इलेक्ट्रॉन पुंज जो है हमें यहां प्राप्त हो रहा है। ये मेटेलिक ग्राउंड प्लेट है, मेटेलिक ग्राउंड प्लेट है जिसमें 2 स्लिट्स बनाई हुई है, S1 और S2। S1 और S2 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके पश्चात एक बैकअप स्टॉप दिया गया है वाल के ऊपर, इसके ऊपर मूवेबल डिटेक्टर लगा हुआ है, जो डी है यहां जो डी है ये मूवेबल डिटेक्टर है, और मूवेबल डिटेक्टर जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी के मेजरमेंट के लिए इसे लगाया है। ये डिटेक्ट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल इंटेंसिटी के मेजरमेंट के लिए यहां डिटेक्टर लगाया गया है। और यहां ये स्क्रीन है जहां हमें इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता का वितरण प्राप्त होता है कि किस प्रकार से तीव्रता हमें मिली। पहले पार्ट में यदि हम इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल लें, हम ये माने कि आपतित जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ कण की तरह बिहेव करता है, और सपोज कर लीजिए कि S2 स्लिट तो क्लोज है और सिर्फ S1 स्लिट खुली है, तो हमें I1 इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा, क्योंकि ये बंद है तो यहां से हमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, I1 पैटर्न हमें मिलेगा। सेकंड में यदि हम S1 को क्लोज कर देते हैं और S2 खुला रहता तो हमें I2 पैटर्न मिलता, अर्थात I1 और I2 हमें सेपरेट पैटर्न्स मिलते हैं। यदि हमने आपतित जो इलेक्ट्रॉन है उसको एज ए पार्टिकल यदि माना है, अर्थात I = I1+I2, यदि हम इलेक्ट्रॉन को कण के रूप में मानते हैं, तो हमारे पास में जो तीव्रता का वितरण है वो I = I1+I2 प्राप्त होता है, और इस तरह का वितरण हमें। दूसरी स्थिति में यदि हम इसे इलेक्ट्रॉन एज ए वेव लें, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, आपतित जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंग की तरह बिहेव करता है, तो हमें दोनों स्लिट से जो सुपरपोजिशन से जो पैटर्न मिलेगा वो मिलता है, जिस तरह का हमारे पास में इंटरफेरेंस में मैक्सिमा मिनिमा डबल स्लिट में जैसे आपको मिलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा इस प्रकार का जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, व्यतिकरण का जो पैटर्न है वो आपको यहाँ
मिलता है यदि हम इलेक्ट्रॉन एज ए वे लेते हैं। अब ये तो चीजें हमने एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स आए उसको डिस्कस किया। एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप कैसा है उसके रिजल्ट्स दो तरह से, एज ए पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन ले, एज ए वेव ले, तो इस तरह का पैटर्न मिलता है। मैथमेटिकली भी इसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में पी, यहाँ पर आगे हम देखेंगे अगले चैप्टर में पी फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है। यहाँ साई जो होता है, साई यहाँ वेव फंक्शन होता है, साई आर टी कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन, इसे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रायिकता आयाम। प्रायिकता आयाम का मतलब क्या होता है, जैसे कण के साथ में हमने तरंग मानी है, वेव मानी है, तो कण के पाए जाने की प्रायिकता पे निर्भर करता है ये कि कण स्पेस में कहाँ पाया जाता है, जहां सबसे अधिक पाए जाने की संभावना होती है वहां उसके उसका मान सबसे अधिक होता है, जहां सबसे कम पाए जाने की संभावना होती है वहां इसका मान सबसे कम होता है। इसे हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो पी होता है, पी यहां पर आता है साई आर टी, जो आपके प्रोबेबिलिटी जो होता है वो यहां पर पी जो होता है साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर एक्चुअल में ये होता है इसके प्रोपोर्शनल, और इसको कहा जाता है जो पी होता है यहां पे वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये पार्ट आता है, पी जो होता है वो साई स्क्वायर के एम्पलीट्यूड, साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां पर अगर हम ये देखें कि इसमें ये आता है कि प्रोबेबिलिटी पी जो है वो दोनों के सम के बराबर नहीं आता। अगर इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल होता है तो जैसे सम के बराबर होता है या नहीं होता है, और ये अगर इंटरफेरेंस पैटर्न लेते हैं तो इसके बराबर होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता से है तो इस वाले पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये यहाँ इसके बराबर क्यों नहीं आता है। एज ए वेव अगर हम ले तो जैसे हमने देखा था वेव नेचर में जो एम्पलीट्यूड होता है वो वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू दोनों के सम के बराबर होता है, और वेव को अगर हम ले तो वाई जो होती है वो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमने कई बार इस वेव फॉर्म में लिया है। यहाँ वन और टू दोनों के लिए हम यूज ले सकते हैं, वाई वन के लिए वन ले लेंगे और वाई टू के लिए टू सिंबल ले लेंगे, तो एक ही इक्वेशन में मैंने दोनों को लिख रखा है। इसको चाहे तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई ले सकते हैं, जहां आई बराबर वन टू ले सकते हैं, सिम्बोलिकली आप एक ही इक्वेशन में इसको शो कर सकते हैं एज ए। अगर हम इस प्रकार से लेते हैं तो आपने देखा होगा कि इंटरफेरेंस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा डबल स्लिट में ए बराबर आ जाता है अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कोस डेल्टा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है। और यहाँ डेल्टा जो होता है, डेल्टा जो है पाथ डिफरेंस होता है, वो आता है टू पाई अपॉन लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन, और x2 माइनस x1 यदि l लैम्डा के बराबर है तब तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी एकीकरण, और x2 माइनस x1 अभी यदि l लैम्डा अपॉन 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी और विनाशी एकीकरण। तो ये दोनों कंडीशंस में हम इसको यूज ले सकते हैं। यहां भी हम ये देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी आती है वो i बराबर i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस twice under root i1 i2 cos delta, some extra term is there, this term is known as interference term, ये जो term आती है ये term यहाँ पर interference term आती है जो कि interference को explain करेगी। जो interference pattern हमें मिलता है वो interference pattern तभी मिलेगा जब हमारे पास में इस तरह की जो extra term हमें मिलेगी। ये जो equation है यहाँ तो i बराबर i1 plus i2 था, मगर इस इंटरफेरेंस पैटर्न में ये एक्स्ट्रा टर्म आती है
जिसकी वजह से हमें इस तरह का पैटर्न मिलता है। ये एक्सप्लेनेशन तो था जो आपने एज वेव नेचर इंटरफेरेंस में पहले भी पढ़ा है, ट्वेल्थ में भी आता है आपके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इसको यदि हम इलेक्ट्रॉन एज ए वेव अगर कंसिडर करें तो इसे हम पैटर्न को अगर हम समझाना चाहें तो जैसे मैंने बताया पार्टिकल की जो पोजीशन है होती है उसके अकॉर्डिंग साई की वैल्यू डिपेंड करती है और साई पर जो होगा दोनों वेव्स के लिए का जैसे वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू होता है, वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू, वैसे ही साई बराबर साई वन प्लस साई टू होता है। साई बराबर क्या होता है, साई वन प्लस साई टू, अर्थात यदि P हमारे पास में साई स्क्वायर है, P1 साई वन स्क्वायर है, P2 साई टू स्क्वायर है, तो आपके पास में जो टोटल P है वो साई का स्क्वायर है जो कि साई साई वन प्लस साई टू के बराबर है। अर्थात साई वन प्लस साई टू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर तो टर्म आ गई, इसके पश्चात ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई साई वन स्टार साई टू प्लस साई वन साई टू स्टार, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस टर्म। यहाँ इसकी वजह से हमें पैटर्न जो है ये मिलता है और इसको यहाँ इस प्रकार से समझाया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट जो था ये फिनमैन का थॉट एक्सपेरिमेंट था कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पैटर्न को समझाते हैं, और इस पैटर्न में जब हमने इसको वेव नेचर लेते हुए इसकी जो वेवलेंथ लैम्डा लेते हुए इसे समझाया है, ये एक्सपेरिमेंट द ब्रोगली हाइपोथेसिस का भी एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। द ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रायोगिक रूप से प्रमाणित करने का एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी ये है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।